हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो वज्रायाण नमो लोय सव साहुण एसो वंचन मुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाण च सव्वे सिं प्रमुम हवई मंगलम ज्ञानतीनंदनम ज्ञानंजन शलाकया नेत्रोन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को प्रणाम। अब हम देखेंगे अनर्थ सूत्र का अर्थ, जिसे आगार सूत्र के नाम से भी पहचाना जाता है, जिसे कायोत्सर्ग सूत्र के नाम से भी पहचाना जाता है। अब आगार यानी कौन से अपवाद पूर्वक हमारा कायोत्सर्ग होगा उसका वर्णन इस सूत्र के अंदर आता है, इसीलिए इसे आगार सूत्र कहा जाता है। अथवा तो हमारा कायोत्सर्ग का समय कितना होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसकी प्रतिज्ञा किस प्रकार की होगी, ये सभी चीजों का वर्णन इस अनर्थ सूत्र के अंदर आता है, इसीलिए इसे कायोत्सर्ग सूत्र अथवा तो कौसग सूत्र भी कहा जाता है। तो आइए अब हम इसके अर्थ को देखेंगे। अनर्थ यानी नीचे बताए गए अपवाद पूर्वक, नीचे बताए गए आगार पूर्वक। अब कौन से आगार है उसका वर्णन यहां पर शुरू होता है। उससीणम निससीणम श्वास लेने से, श्वास छोड़ने से, खासीणम खांसी आने से, छीणम छींक आ जाने से, उससीणम निससीणम खासीणम छीणम जंभाइणम यानी जम्हाई अथवा तो उबासी आ जाने से, जंभाइणम उड्डुएणम यानी ओडकार अथवा तो डकार आ जाने से, वाय निस्सज्ञेणम अधो वायु छुटने से, वाय निस्सज्ञेणम भमलिए यानी चक्कर आ जाने से, पित्त मुच्छाए पित्त के कारण मूर्छित हो जाने से अथवा तो पित्त के कारण बेभान हो जाने से, पित्त मुच्छाए सुहु मेहिम अंग संचालहिम सूक्ष्म अंग का संचार होने से यानी सूक्ष्म कोई भी अंग की हलन चलन की क्रिया हो जाने से, सुहु मेहिम खेल संचालहिम यानी शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से वायु अथवा तो कफ का संचार होने से, सुहुमेहिम दिट्ठी संचालिम यानी सूक्ष्म रूप से दृष्टि का संचार होने से, सुहुमेहिम अंग संचालिम, सुहुमेहिम खेल संचालिम, सुहुमेहिम दिट्ठी संचालिम। इस प्रकार 12 आगारों का यहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया गया है। और अगला पद जो है एवं माई एहिम आगारेहिम यानी इत्यादि आगार पूर्वक, यहाँ पर इत्यादि शब्द के अंदर 4 आगार जो है वो अस्पष्ट रूप से इंक्लूड किए गए हैं, तो कुल मिलाकर 16 आगार युक्त हमारा कायोत्सर्ग होता है। एवं मई इहिम आगारहिम इत्यादि आगार पूर्वक, एवं मई इहिम आगारहिम अभग्गो भंग ना हो ऐसा, यानी इन आगारों से मेरा कायोत्सर्ग भंग नहीं होगा, ये सभी अपवाद है, अगर इनका सेवन हो जाए तो मेरा कायोत्सर्ग भंग नहीं होगा। अविराहियो अविराधित रहेगा यानी उसकी विराधना नहीं होगी, मेरा कायोत्सर्ग खंडित नहीं होगा। अभग्गो अविराहियो हुज्ज में कौसग्गो इस प्रकार का होगा मेरा कायोत्सर्ग। तो ये हो गया हमारे कायोत्सर्ग के स्वरूप का वर्णन। अब आता है उसके समय का वर्णन। जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारिणम न पारेमी ताव यानी जब तक अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करने के पूर्वक मैं कायोत्सर्ग को न पारू ताव यानी तब तक, यह हो गया समय। यानी नमो अरिहंताणम पद द्वारा मैं अरिहंत प्रभु को नमस्कार करके अपना कायोत्सर्ग ना पारू तब तक मेरा कायोत्सर्ग चलेगा। तो इसीलिए हम सब जब कभी भी कायोत्सर्ग पारते हैं तो हम सभी मंद स्वर के अंदर नमो अरिहंताणम बोल के हमारा कायोत्सर्ग पारते हैं, तो उसके पीछे का यह रहस्य था। जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारिणम न पारेमी ताव कायम ठाणेनम मोणिनम झाणेनम अप्पाणम वो सिरामी यानी मैं अप्पाणम यानी अपनी कायम यानी काया को ठाणेनम यानी स्थान द्वारा, मोणिनम यानी वचन द्वारा और झाणेनम यानी ध्यान द्वारा एकग्र चित्त करता हूँ यानी एकाग्र करता हूँ, उसको कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और उसको वो सिरामी यानी अन्य सभी प्रकार की प्रवृत्तियों को मैं वो सिराता हूँ यानी काया की बाकी सभी प्रवृत्तियों को मैं त्याग करता हूँ, उसका वो सिरामी करता हूँ। तो ये हो गया हमारे अनर्थ सूत्र का अर्थ। परमात्मा की आज्ञा जो कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से त्रिविदे त्रिविदे इच्छामि दुक्कड़म।